कोठी पैलेस स्थित कार्यालय पर कार्य संभालते ही एडीएम ने शहर के 197 खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को 43 लाख रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया है। आईएएस अधिकारी नरेंद्र सूर्यवंशी ने उज्जैन में एसडीएम का कार्य संभालते ही मिलावटखोरों व अमानक खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। दरअसल ये वे विक्रेता हैं जिनके खिलाफ खाद्य विभाग ने वर्ष 2011 से अभी तक मिलावटखोरी व अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर प्रकरण बनाए थे। ऐसे करीब 197 विक्रेताओं के खिलाफ 83 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद भी ये विक्रेता राशि जमा नहीं करते तो इन्हीं के खिलाफ लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने मंगलवार को खाद्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को कार्य में गति लाने के साथ पुराने कार्यों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य अपमिश्रण विभाग द्वारा समय समय पर मिलावटखोरी, अवमानक खाद्य पदार्थ और मिथ्या छाप जो खाद्य पदार्थ बेचे जाते हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाती है और इसमें एडीएम कोर्ट में जो दोषी सुनवाई के पश्चात जो दोषी होते हैं त्रुटिकर्ता होते हैं उनके विरुद्ध में शास्ति आरोपित करने की भी कार्रवाई की जाती है। इसी कार्रवाई में जो जिन लोगों के विरुद्ध शास्ति आरोपित होती है उनमें काफ़ी सारे लोग तो सुनवाई के पश्चात अपनी राशि जमा कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ व्यापारी, कुछ दुकानदार या कुछ पक्षकार ऐसे होते हैं जो राशि जमा नहीं करते हैं, तो आज उसी की समीक्षा की गई।